कासगंज जनपद में एक इनोवा कार ने चौकी पर तैनात सिपाही सहित एक चौकीदार को रौंद दिया। इस हादसे की घटना में सिपाही सहित चौकीदार घायल हो गए। दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बाद में कार चालक घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार भी हो गया। यह सनसनीखेज हादसे की घटना कासगंज की सदर कोतवाली क्षेत्र के सोरो गेट पुलिस चौकी का है। बताया जा रहा है कि यह सिपाही जितेंद्र कोशिश और चौकीदार अली शेर ड्यूटी पर थे। इसी बीच रात्रि के तकरीबन 12 बजे सोरो की ओर से आई एक इनोवा कार ने जान से मारने की नियत से दोनों को रौंदने का प्रयास किया। हालांकि कार ने स्कूटी को रौंदा, सिपाही और चौकीदार उछलकर दूर जाकर गिर पड़े, जिससे सिपाही जितेंद्र कोशिश के सिर और चेहरे में गंभीर चोटें आई है, जबकि चौकीदार का एक पैर टूट गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पुलिस चौकी पर घटना को अंजाम देने के बाद कार चालक आराम से कार में बैठकर फरार हो गए, लेकिन चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी कार को पकड़ना तो दूर, उस कार का नंबर तक नोट नहीं कर पाए। बाद में पुलिस कार को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन कार कब पकड़ी जाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कल बीती रात को सोरो के चौकी पर एक इनोवा अज्ञात नंबर था, अज्ञात कलर था, रंग था उसका, मालूम नहीं पाया। हमारे दो कर्मचारी, एक सिपाही एक चौकीदार, हमारे सोरो के चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे। रात तकरीबन 12 बजे होंगे सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है इनोवा के माध्यम से। हालांकि मौके पर उसको किसी ने वेरीफाई नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसकी भी जांच की जा रही है। हमारे सिपाही की सर में चोट आई है, वो इस समय सही हालत में है, ठीक है। और हमारा चौकीदार जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, उसको मेरे द्वारा तत्काल अस्पताल ले जाया गया और एक नीलम हॉस्पिटल यहाँ पर है, वहाँ पर एक्सरे कराया गया और उसकी जो है मलहम पट्टी की जा रही है, इलाज किया जा रहा है। और जो अज्ञात वाहन फूका मार के चला गया था उसकी भी जाँच की जा रही है, वो जैसे प्रकाश में आएंगे उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी आई शोरूम से तो पुलिस वाली एक हमें तो उन्हें टक्करा के मारी, तो बैग गैर डाल के कहते मारने का प्रयास था, बैग गैर डाल के वो सीधे भजा ले गए।